गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर चल रहा है आपको धारिता। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? धारिता के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में धारिता का जो फॉर्मूला पढ़ा था, C इक्वल टू Q अपॉन V, आवेश और विभव का अनुपात। आवेश और विभव का अनुपात किसके बराबर होता है? धारिता के बराबर होता है। अब देखो यहाँ इस डायग्राम के अंदर देखो, ये जो वाई एक्स है आवेश को प्रदर्शित कर रहा है, एक्स एक्सिस किसको प्रदर्शित करता है? विभव। इस वाले ट्रायंगल से tan थीटा इक्वल टू क्या है? q / b, यानी ये जो स्लोप अपन खींचते हैं किसको बताता है? c को बताता है, क्योंकि c इक्वल टू क्या होता है? q / b होता है, यानी कि धारिता c इक्वल टू क्या होगा? q / b, यानी कि यहां से जो tan थीटा इस पर चार्ज अपन खींचेंगे, tan थीटा किसको बताएगा? धारिता को बताएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, एक C1 धारिता है जो x एक्स के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है और C2 जो है वो x एक्स के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहले यहां पर निकालेंगे C1 इज इक्वल टू tan 60, और C1 का जो मान आएगा यहां पर tan 60 का मान, tan 60 का मान कितना होता है? रूट थ्री होता है। कितना होता है? अंडर रूट थ्री। ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री। उसके बाद C2 इक्वल टू ये आएगा tan 30, और इसका जो मान होता है tan 30 का मान 1 अपॉन रूट 3। तो देखिए यहां पर C1 अपॉन C2 दोनों धारिताओं का जो अनुपात निकालेंगे, C1 अपॉन C2 क्या आएगा? अंडर रूट 3, C2 का नीचे डिवाइड करेंगे 1 अपॉन रूट 3 आएगा, रूट 3 कहां पहुंचेगा? ऊपर। ये हो जाएगा C1 अपॉन C2 इक्वल टू 3। C1 और C2 का जो अनुपात आएगा क्या आएगा? आंसर आएगा इसका 3:1। क्या आएगा? 3:1 बता लीजिए। अब देखो यहां धारिता की कुछ चालकों की कुछ विशेषताएं पड़ी थी, यानी कि किसी चालक को कितना अपन आवेश दे सकते हैं। तो इसमें लिखिए आगे एरो का साइन करके लिखेंगे, किसी चालक को अनंत आवेश नहीं दिया जा सकता है चालक के आवेश में वृद्धि करने पर विद्युत क्षेत्र के मान में वृद्धि होती है। विद्युत क्षेत्र का मान अत्यधिक प्रबल हो जाने पर माध्यम के अणु आयनित हो जाते हैं तथा आवेश का चालक से रिसाव ब्रैकेट में लीकेज रिसाव ब्रैकेट में लीकेज होने लगता है। यही आवेश देने की अधिकतम सीमा है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, वायु
इंटू दस की घात छ वायु, 3 × 10^6 वोल्ट बटे मीटर, 3 × 10^6 वोल्ट अपॉन मीटर। विद्युत क्षेत्र के मान पर, विद्युत क्षेत्र के मान पर आयनीकृत हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है। देखिए मैंने बताया किसी आवेश को या किसी चालक को अनंत आवेश नहीं दिया जा सकता है। किसी चालक के आवेश के मान में वृद्धि कर दे, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला होता है इक्वल टू KQ/R2। जैसे जैसे आवेश के मान में वृद्धि करेंगे उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आवेश का मान बढ़ाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जो माध्यम के अणु है या माध्यम के जो कण है वो क्या हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं और आवेश क्या होता है, आवेश का रिसाव प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक आवेश का लीकेज होना प्रारंभ नहीं हो जाए तब तक अपन क्या करते हैं, किसी चालक को आवेश दे सकते हैं। जैसे ही आवेश का लीकेज होगा उसको आवेश देना क्या कर देंगे, बंद। यानी कि आवेश के लीकेज होने से पहले तक ही अपन क्या कर सकते हैं, किसी को आवेश दे सकते हैं। और वायु जो लीकेज होती है या वायु जो आयनीकृत होती है वो कितने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर हो जाती है, 3 × 10^6 वोल्ट अपॉन मीटर पर वायु के अणु क्या हो जाते हैं, आयनीकृत होना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे चालक की धारिता, चालक की धारिता। सॉरी हेडिंग है बिलगित गोलीय चालक की धारिता, बिलगित गोलीय चालक की धारिता, बिलगित गोलीय चालक की धारिता, बिलगित गोलीय चालक की धारिता। अब देखिए यहां पर हमारे पास कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, जब इसको क्यू आवेश दिया जाता है, क्यू आवेश देते हैं तो आवेश इसकी सतह पर, आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। जैसे इसको क्यू आवेश देंगे आवेश क्या होगा, इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये इसका केंद्र बिंदु O है और इस गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है, R है। इसका जो विभव है आवेश Q और विभव का मान क्या है, V। तो इसमें लिखेंगे एक कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय चालक को Q आवेश द्वारा आवेशित किया गया है, यदि गोलीय चालक की सतह पर, यदि गोलीय चालक की सतह पर उत्पन्न विभव V हो तो, उत्पन्न विभव V हो तो। अब देखिए गोलीय चालक के कारण इसकी सतह पर विभव V है, तो गोलीय चालक के कारण जो V का फॉर्मूला आता है, विभव का जो फॉर्मूला आता है, V इक्वल टू होता है K क्यू अपॉन आर, या इसी को लिख सकते हैं V इक्वल टू 1/4πε0Q/R, समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से
धारिता की परिभाषा से C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। समीकरण नंबर दो, धारिता की परिभाषा से C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। समीकरण एक से समीकरण दो में मान रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण दो में मान रखने पर, समीकरण एक से समीकरण दो में मान रखने पर C इक्वल टू हो जाएगा Q एज इट इज रहेगा अपॉन V का मान हो जाएगा Q 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा K Q, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है K Q अपॉन में R, R हो जाएगा ऊपर, R कहां पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा C इज इक्वल टू Q से Q पर जाएंगे हो जाएगा R अपॉन K, या इसको लिख सकते हैं K का मान होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पहुंच जाएगा ऊपर, यानी सी इज इक्वल टू क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पे लिखेंगे माध्यम के लिए, माध्यम के लिए, माध्यम के लिए मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा मीडियम, माध्यम की धारिता सी एम इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन। माध्यम के लिए विद्युतशीलता को किसे लिखते हैं, एप्सिलॉन से लिखते हैं, ये हो जाएगा आर। और हम जानते हैं परंतु एप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परावैद्युतांक या निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर इक्वल टू होती है माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। तो यहां से एप्सिलॉन का मान क्या रखेंगे, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, तो यहां रखा जाएगा सी एम इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू आर, या इसको ले सकते हैं सी एम, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, सी इक्वल टू क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये निर्वात की धारिता है, ये हो जाएगी सी और ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, या यहां से लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा सी एम अपॉन सी। माध्यम की धारिता और निर्वात की धारिता का अनुपात किसके बराबर होता है, परावैद्युतांक के बराबर होता है। उदाहरण आज की इस क्लास को ये विराम देते हैं, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।